चलिए हैप्पी संडे के साथ आपके साथ हम लोक स्मार्ट चैनल के अपने यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर हीट वे का समय है, काफी गर्मी है, लो की जो पोटेंशियल वेलोसिटी 40 के ऊपर आसपास है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने को बचावें। इसी हीट वे में ही आज हम टटोलेंगे अमनौर में चलकर। अमनौर जो सारण संसदीय क्षेत्र का एक इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ के MP रूढ़ी जी भी रहने वाले हैं। आज मेरा केवल इंटरव्यू होगा, केवल जो मुस्लिम वर्ग से, अमनौर के मुस्लिम वर्ग से कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि आखिर मुस्लिम लोगों का दिल और दिमाग किस पार्टी की तरफ है, या अब तक कौन कौन से नेताओं ने मुस्लिम की रक्षा किया है। प्रायः सर देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिशियन मुस्लिम का यूज करते हैं, मुस्लिम से वोट लेते हैं, मुस्लिम पर राजनीति करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब काम आता है तो नेता छोड़ भी देते हैं। जो सीधा है, जो सिवान के मामला में सावदीन साहब ने क्या नहीं किया है, राजद के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। आज जब उनके धर्म पत्नी के जब वोट देने का बात आती है तो राजद वाले कहते नहीं, 3 बार वोट दिया वो हार गई, तो उन्होंने बिगाड़ा। जो भी हो, इससे वहाँ के सिवान के मुसलमान लोगों को ठेस पहुँचा है। हमारी वार्तालाप भी हुई थी। आज हम टटोलेंगे कि अमनौर के लोगों से ऐसी सूचनाएं मिले कि अब बिहार के जो मुस्लिम, पर्टिकुलर बिहार राज्य की बात करते हैं, कि अब मुसलमानों ने दिल बना लिया है कि नहीं, कब तक ढोएंगे हम लालू जी का हाथ, कब तक ढोएंगे नीतीश जी का हाथ। और सभी अब मुस्लिम जो युवा हैं, पढ़ लिखे हैं, युवतियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो मुस्लिम का एक इम्पोर्टेंट जो ब्रेन डिपार्टमेंट कह सकते हैं, वो सभी है मोदी के साथ। आज हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, हम लाइव दिखाएंगे अमनौर से। प्लीज सी टुडे द मोटो न टुडे आई एम गोइंग टू द अमनौर इज द वेरी इंपॉर्टेंट सीट इन द छपरा संसदीय क्षेत्र, एंड आई विल ट्राई टू ऑब्टेन द सेंस पेशेंस एंड इंटरनल द व्यूज ऑफ द मुस्लिम ब्रदर्स, बिकॉज ऑलरेडी इन दिस द पीरियड द बिहार लोकसभा चुनाव द 2024 आइदर द मुसलमान वोट वेयर इज गोइंग, आई विल ट्राई टू ऑब्टेन इट, प्लीज वेट। जस्ट दुमानदार में कुछ देर बाद आपके साथ होंगे। जय हिंद।